गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 क्लास 5 इंग्लिश इंग्लिश टॉपिक नेम जॉन हैज विजिटर्स पेज नेम 77-8। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जॉन हैज विजिटर्स। देखिए हाय ओपन अप ओपन अप डूडे जॉन्स आईज फ्लो ओपन थ्रू द विंडो प्लेन द इयरली रेज ऑफ द सन कट अक्रॉस हिज डार्क बेडरूम ही हियर्ड ए स्क्रैचिंग ऑन द ग्रास ग्लैंसिंग टुवर्ड्स द विंडो जॉन कुड मेक आउट टू थिन फिंगर्स जस्ट अबाउट 10 इंचेस हाई होपिंग अप एंड डाउन आउटसाइड इट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, जॉन क्या कर रहा था ना, उसके रूम में वो सो रहा था, उसका जब आई ओपन हुआ तो वो क्या कर रहा ना, एक साउंड उसके उसे सुनाई दिया और वो साउंड क्या था, हाई ओपन अप ओपन अप ओपन अप ओपन अप मतलब दरवाज़ा खोलो ऐसे ही एक साउंड उसे सुनाई दिया। ग्लैंसिंग टुवर्ड्स द विंडो जॉन स्कूल मेक आउट टू थिन फिंग्स, ग्लैंसिंग मतलब लुकिंग, मतलब वो विंडो की तरफ जब वो देखा तो उसे क्या दिखाई दिया ना, टू थिन फिंगर्स जस्ट उसका हाइट कितना है ना, 10 इंचेस होगा। टू थिन फिंगर वो क्या कह रहा था उसे, होप दरवाजा को विंडो को खोलो। ओके तब उसके बाद देखो हु स्पोक टू मी ही वंडर्ड देयर वाज नो बॉडी इन द रूम। तो क्या था ना, वहाँ रूम पर कोई भी नहीं था, तो जॉन क्या करा ना, वो वंडर्ड हो गया और वो कहने लगा कि कौन मुझे बुला रहा है। वी स्पोक टू यू ओपन अप क्विक विल यू डूडे। तो वो दोनों क्या कहे उसे ना, हम तुमको बोल रहे हैं ओपन अप विंडो को खोलो, क्विक वी विल डू डे, हम बोल रही हैं विंडो को खोलो। जॉन जंप देयर इज नो साउंड बट जॉन हियर द वर्ड्स क्लियरली इन हिज हेड। तो जॉन वो साउंड उसे सुनाई दे रहा था, तो देयर वॉज नो साउंड बट जॉन हियर द वर्ड्स क्लियरली नहीं चढ़े। जॉन को जो साउंड सुनाई दे रहा था वो उससे कैसे सुनाई दे रहा था ना, उसे उसके हेड के थ्रू, उसे हेड के थ्रू उसे वो साउंड सुनाई दे रहा था। सियोरली द टीनी क्रिएचर्स एट हिज विंडो हैड स्पोकन दीज वर्ड्स बट हाउ आर दे टॉकिंग इन हिज हेड। तो जॉन ने देखा कि विंडो के बाहर दो स्मॉल क्रिएचर्स थे, तो वो श्योर हो गया कि वो जो दोनों क्रिएचर है उस दोनों ने ही उसे बात कर रहे हैं, और वो आश्चर्य हो गया ये जानकर कि वो दोनों कैसे अपने हेड से बात कर रही है। उसके बाद देखो क्या हुआ, जॉन क्लाइंब्ड अप बेड एंड ओपन द विंडो। जॉन क्या कह रहे ना, बेड के ऊपर चढ़ा गया और विंडो को खोल दिया। द टू क्रिएचर्स वन ए लिटिल टॉलर देन द अदर मास्ट इन। तो जो दो क्रिएचर्स थे, एक बड़ा सा एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा, तो वो दोनों क्या कह रहे ना, विंडो से उसके रूम में पहुंच गए। टू ग्रीन आईज वेयर ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड्स विथ ए पेयर ऑफ एंटेनाई स्पॉटिंग अबव देम। तो वो कैसे देख रहे थे ना, उसके दो उन दोनों के दो ग्रीन आई थे, उनके हेड के ऊपर दो ग्रीन आए थे और उनके हेड में एक एंटेना थे, पेयर ऑफ एंटेना मतलब दो एंटेना थे, एंड जो एंटेना थे वो क्या कर रहे थे ना, ग्रोइंग कर रहे थे। लाइक एंट्स देयर बॉडीज वेयर डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शन, एंट की तरह उनका बॉडी जो है वो थ्री सेक्शन में डिवाइड हुआ था, कि वो क्या क्या था ना, विथ थिन आर्म एक आर्म था एंड लेग्स था, बट अनलाइक एंट्स दे वर वॉक अपराइट। बट वो क्या, वो कैसे चल रहे थे, अपराइट चल रहे थे। उसके बाद देखो थैंक्स टू डे द वर्ड्स फास्ट अक्रॉस जॉन्स माइंड, जॉन के माइंड में
और क्या वर्ड आया उसके बाद थैंक्स, वो दोनों से थैंक्स बोले। सो दे स्पीक थ्रू थॉट्स, जॉन रियलाइज, तो जॉन ने रियलाइज कर लिया कि वो दोनों हेड से ही, मतलब कि माइंड से ही बात कर रहे हैं। सो यस डूडे वी कैच योर ब्रेन वेव्स, तो वो दोनों क्या कहे उसे जॉन को, वो क्या कह रहे थे ना, उसकी जो ब्रेन वेव्स है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, जो ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं वो उसे कैच करके उसी से ही बात करते हैं। वी डोंट नो योर लैंग्वेज, सो आवर ब्रेन चेंजेस योर थॉट इनटू आवर लैंग्वेज एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर सिंपल। तो वो क्या कहे कि वो दोनों जॉन के लैंग्वेज को जानते नहीं है, तो उसे वो क्या कह रहे थे ना, उनके लैंग्वेज उनके हेड में, मतलब उनकी ब्रेन में उनके लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो जाता है और वो जॉन के लैंग्वेज को समझ पाए और वो बातचीत कर रहे हैं। वाओ थॉट जॉन, तो जॉन ने अपने माइंड में क्या सोचा, बहुत अच्छा है। डूडे यू मस्ट हेल्प अस, माई सिस्टर ची एंड आई वे आर टेकिंग ट्रिप इन डैड्स कीपी टू वन ऑफ द सन्स, बट वी लॉस्ट आवर वे, देन वी आर पुल्ड इन बाय योर प्लैनेट एंड लैंडेड हियर। तो वो दोनों जॉन से क्या कहे कि वो एक जो दो दोनों का नाम था क्या ना, ची एंड चू, ची और चू वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे। तो वो दोनों क्या कर रहे थे ना, उनके डैड के स्कीपी से सॉन को विजिट करने जा रहे थे और वहाँ पर वो क्या करें ना, अपना जो ओए है रास्ता भूल गए और वो क्या करें ना, प्लैनेट में, हमारा प्लैनेट में लैंड हो गए। आई एम जॉन, व्हाई डू यू कॉल मी डूडे, तो जॉन ने बोला कि मैं जॉन हूँ, तो तुम लोग मुझे डूडे क्यों बोल रहे हो। उसके बाद देखो, हाय जॉन आई एम चू, चू ने क्या कहा जॉन को कि मैं चू हूँ। डूडे मीन्स फ्रेंड इन आवर लैंग्वेज, मतलब कि उनके लैंग्वेज में डूडे मतलब फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड को वो डूडे कहते हैं। ची जॉइंड इन, उसके बाद ची उन्हें ज्वाइन किया एंड नाउ द स्कीपी इट इज सॉर्ट ऑफ फ्यूल, और ची ने क्या बोला कि वो जो स्कीपी है उसमें फ्यूल शॉर्टेज हो चुका है, मतलब फ्यूल ख़त्म हो चुका है। तो हाउ विल वी गेट बैक होम, तो हम अब घर कैसे जाएंगे। सी साउंडेड एज दो सी वुड ब्रेक डाउन, ये बोलकर वो ऑफसेट हो गया। चू पुट ए स्कीपी एंड अराउंड ची एंड हग्ड हर, तो चू ने क्या करा, स्कीपी यहाँ पर हुआ देखिए आपका एक वर्ड है स्पीकिंग, यहाँ पर देखिए स्पीकिंग, स्कीपी स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स हैविंग ए शार्प पॉइंट, जो उसका एंटेना का जो उसका आर्म का शार्प पॉइंट था उसे वो क्या कर रहा ना, ची को हग किया। ओके देखिए, तो जॉन आस्क्ड व्हाट इज ए स्कीपी, तो जॉन ने फिर पूछा कि स्कीपी क्या है, तो ची एक्सप्लेन, ची ने बोला कि इट इज ए सीप, जॉन एंड वी सेल इन इट टू डिफरेंट सॉन्ग्स, तो ची ने क्या बोला जॉन को कि जॉन इट इज एक सीप है, मतलब एक जहाज है जिसे हम क्या करते हैं ना, सॉन्ग डिफरेंट, हम डिफरेंट सॉन्ग के ऊपर विजिट करते हैं। जॉन रैन टू द विंडो, जॉन विंडो के पास चला गया। ऑन द बैक लॉन बिलो द जैस्मिन बुशेस वाज ए राउंड ऑब्जेक्ट जस्ट ए लिटिल लार्जर देन ए फुटबॉल विथ रेड लाइट फ्लैशिंग, तो वो क्या देखा कि वो ये जो है जैस्मिन का ट्री, जैस्मिन का प्लांट जो है उसके नीचे क्या है ना, एक बॉल, एक बॉल की तरह, एक फुटबॉल, एक बड़ा सा फुटबॉल की तरह कुछ था और जिसमें रेड लाइट फ्लैश हो रहा था। ओके, तो जॉन्स आईज वेर राउंड एज ही रिटर्न अराउंड टू लुक एट द एलियंस, तो वो क्या करा, रिटर्न करा अपने रूम में और एलियंस को देखा। दे आर बिजी जंपिंग ऑन हिज बेड, तो वो दोनों क्या कर रहे थे ना, बेड में जंप कर रहे थे। दिस इज सो सॉफ्ट व्हाट फॉर चू, तो चू
शिव ने क्या कहा कि अब बहुत सॉफ्ट है, बहुत मजा आ रहा है, यस आई लव इट टू। ओके, सरप्राइजिंगली देयर कॉन्वर्सेशन वॉज ए फ्लैशिंग बैक एंड फोर्थ इन जॉन्स माइंड। जो वो बातचीत कर रहे थे अपने दोनों के बीच में, वो सब क्या हो रहा था ना, जॉन के माइंड में फ्लैश हो रहा था और जॉन वो सब बातें अपने माइंड के थ्रू सुन सकता था। एज थ्रू हिज ब्रेन हैड गॉट एडजस्टेड टू देयर्स। ओके, जॉन आस्क्ड सो व्हेयर डू यू लिव। उसके बाद जॉन ने पूछा कि तुम दोनों कहाँ पर रहते हो। देखो, वी लिव ऑन डायना। तो वो दोनों क्या बोले कि वो दोनों डायना में रहते हैं। आवर प्लैनेट इज अटैच टू अनदर सन, ए मच लार्जर सन देन योर्स, रिप्लाइड जी। तो जी ने क्या बोला कि हम डायना पर रहते हैं, जो डायना है वो एक सन की जैसा है, और वो कैसा है ना, तुम्हारा जो सन है, मतलब हम जो यहाँ पर सन देखते हैं उससे वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। जहन केम ए लाउड कॉल फ्रॉम बियॉन्ड द क्लोज बेडरूम डोर। जो डोर के बाहर, मतलब बेडरूम के बाहर, जहन जहन एक साउंड आया। दैट्स मॉम, एक्सप्लेन जहन। जहन ने बोला कि ये मेरी माँ है। स्टार्टेड एंड स्केयर द एलियंस क्यूरिड इन टू जॉन्स क्लॉथेस कपबोर्ड टू हाइड। तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो जो एलियंस थे वो मदर के आवाज़ सुनकर स्केयर्ड, मतलब भयभीत हो गए, और उसके बाद वो क्या करे, स्कोरेड, मतलब देखिए यहाँ पर है स्कोरेड, मतलब वो दोनों दौड़ा दौड़ी होकर कहाँ पर जा करे ना, जॉन जो कब्बर में जॉन का क्लदेश था वहाँ पर छुप गए। द डोर ओपन एंड जॉन्स मदर पुट हर हेड इन डोर। उसके बाद डोर खोला और जॉन मदर उसे क्या बोला ना, 10 मिनट्स टू ब्रेकफास्ट। जॉन मतलब अभी ब्रेकफास्ट करना है, तुम आ जाओ। सी पॉप बैक एंड शूट द डोर। इसके बाद वो चले गए वहाँ से और डोर को बंद कर दिए। यस मॉम, जॉन लेट आउट हिज ब्रेथ। तो जॉन ने अपने मॉम को क्या कहा, यस मॉम हाँ मैम मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो एक धीमी निश्वास ली। थैंकफुली टुडे इज संडे, थॉट जॉन, सो नो स्कूल्स। जॉन क्विकली बैस्ड एंड चेंज्ड। चू एंड ची डिड नॉट कम आउट फ्रॉम हिज कपबोर्ड। तो जो चू और ची वो दोनों कपबोर्ड से बाहर नहीं आ रहे थे। बिफोर गोइंग डाउन ही वेंट क्लोज टू इट एंड सेड सॉफ्टली। वो जाने से पहले उसे क्या कहा जॉन ने, आई विल बी बैक चू एंड ची विथ सम फूड फॉर यू। मैं अभी आऊँगी तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर। नेक्स्ट पेज देखिए। एट द डाइनिंग टेबल जॉन पील्ड हिज प्लेट विथ 3 थिकी बटर टोस्ट, फ्राइड पोटैटो एंड 2 बॉइल्ड एग्स। तो डाइनिंग टेबल पर जॉन ने क्या करा ना, अपनी प्लेट में बटर टोस्ट, फ्राइड पोटैटो एंड 2 बॉइल्ड एग्स को लाया। आज ही पिक्ड अप ए फॉर्क एंड ए स्पून। और एक फॉर्क लाया था, एक स्पून भी लाया था। हिज फादर स्माइल्ड एंड सेड, इज दिस संडे हंगर। तो उसके पापा ने क्या करा, स्माइल करे और उसे पूछे कि ये क्या तुम्हारा संडे का हंगर है। जॉन स्माइल्ड ए लिटिल नर्वसली एंड सेड, यस डैड आई हैव बीन फीलिंग वेरी हंगरी एवर सिंस आई वोक अप। तो जॉन ने नर्वसली क्या रिप्लाई किया कि हाँ डैड, मुझे बहुत ज़्यादा भूख हो रही है क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठा हूँ। कैन आई गो टू माई रूम एंड ईट। उसके बाद जॉन क्या बोला कि मैं अपने रूम में जाकर खा सकती हूँ। एक्चुअली आई वांटेड टू फिनिश माई वीकेंड होमवर्क, मुझे मेरी होमवर्क को फिनिश करना है। फाइन जॉन, फिनिश योर होमवर्क एंड वी विल गो टू सी ए फिल्म दिस आफ्टरनून। जॉन के पापा ने उसे क्या बोला, ठीक है तुम जा सकते हो और खाना खाने के बाद हम आफ्टरनून में फिल्म देखने जाएंगे। जॉन वेंट ऑफ केयरफुली बैलेंसिंग द थिंग्स ऑफ हिज प्लेट। जो जॉन क्या करा, वहाँ से रूम की तरफ गया। आफ्टर लॉकिंग हिज बेडरूम डोर ही वेंट टू द कपबोर्ड एंड फ्लंग्स इट ओपन। तो वो रूम के अंदर जाकर देखा कि
उसका जो कॉपबोर्ड था वो ओपन था। एट फर्स्ट ही कुड ओनली सी नीटली स्टैक्ड आयरन क्लॉथेस। वो फर्स्ट क्या देखा कि आयरन क्लॉथेस जो कि अरेंज्ड होकर, मतलब उसके एक के बाद एक अरेंज्ड होकर रखा था वहाँ पर, वो देखा ही वॉज ए लिटिल डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया। देन ही स्पाइड ए थिन ब्लैक लेग स्टिकिंग आउट फ्रॉम द फ्लोर्स ऑफ हिज ब्लू जीन्स। उसके बाद वो देखा क्या ना, उसका जो ब्लू जीन्स है उसके एक थिन जो लेग है वो बाहर आ रहा है। ओके, व्हेन ही जेंटली लिफ्टेड द फोल्ड्स, उसके बाद वो क्या करा, बहुत केयरफुली वो फोल्ड को खोला। ही फाउंड जी लेइंग विथ हर आईज, वो देखा कि जी क्या कर रहा है ना, वो सो रहा है, आँख को बंद कर करके सो रहा है। जो आज सिटिंग नियर बाय, उसके इसके पास में जो बैठा है, वेविंग हिज एंटेना को वेव करके वो जी के पास में बैठा है। ओके, ये वो आपका चैप्टर 7। इन चैप्टर 8 वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट मोर इन दिस चैप्टर, मोर अबाउट इन दिस चैप्टर। नाउ इट्स ओवर। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर है। आंसर द क्वेश्चन में देखिए, डिस्क्राइब जॉन्स एलियंस विजिटर, जॉन की जो एलियंस विजिटर है उनके बारे में डिस्क्राइब करिए। वेयर वेयर दे फॉर, और वो कहाँ से आए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर लिखिए, दे आर कम फ्रॉम डायना, और उनके बारे में यहाँ पर कुछ लिखना है। ओके, हाउ कुड दे अंडरस्टैंड फॉर जॉन से, तो वो जॉन जो कह रहा था वो कैसे समझ रहे थे ना, उनके ब्रेन के थ्रू, उन जो ब्रेन वेव्स, जॉन की ब्रेन वेव्स जो आ रहा था उससे, हेड से, उसे वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जॉन के लैंग्वेज को समझ जाते थे। ओके, नंबर 3 देखिए, हाउ डिड दे कम टू बी ऑन अर्थ, वो अर्थ पर कैसे आए ना, उनका जो स्कीपी था उससे फ्यूल ख़त्म हो गया था और वो अपना जो वे था मिस कर गए थे, उनका वे को लॉस्ट हो गया था, उनके वजह से फिर वो अर्थ पर आ गए। ओके, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम दे फेस्ड, और नंबर 5 डिड दे हाइड इन द कबर्ड, नंबर 6 डिस्क्राइब द स्कीपी, 7 व्हाट फूड डिड जॉन गेट फॉर देम, नंबर 8 व्हाट रीजन डिड जॉन गिव हिज फादर फॉर हैविंग ब्रेकफास्ट इन हिज रूम, नंबर 9 व्हाट डिड जू एंड ची फाउंड टू बी इंटरेस्टिंग इन जॉन्स रूम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इन योर चैप्टर जॉन्स एलियंस विजिटर। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 8, दैट इज जॉन ऑफर्स ब्रेकफास्ट टू देयर एलियंस फ्रेंड। नाउ इट्स ओवर, थैंक यू।